नमस्कार जेके मीडिया देख रहे हैं आप। किश्तवाड़ के इलाके से जो फायरिंग की खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि तकरीबन रात को 11:30 बजे के बाद ये फायरिंग हुई है और पडराना जो किश्तवाड़ का एरिया है उस इलाके के अंदर लगभग 25 किलोमीटर जो किश्तवाड़ टाउन से ये एरिया है वहाँ पर जो फायरिंग की खबर आ रही है कि रात को वहाँ पर फायरिंग हुई है और अभी भी उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बताया जा रहा है कि 4RR 17RR और JKP ने वहाँ पर जो नाका लगाया था, नाके के दौरान जो वहाँ पर उस नाके के ऊपर जो फायरिंग की गई है, बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो नाके के ऊपर वहां पर जो हमला किया है उसके मुकाबले में जो वहां पर जो फायरिंग आपस में हुई है। तकरीबन 11:30 बजे का ये जो वाक्य बताया जा रहा है वहां पर नाका, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, 17RR और JKP का नाका वहां पर जो एक ब्रिज है वहां पर नाका लगाया गया था, तो वहां पर उनके ऊपर जो फायरिंग की गई है। ये बताया जा रहा है कि जो पाडर रोड है उसके ऑपोजिट में ये जो ब्रिज पड़ता है तो वहां पर ये जो फायरिंग रात को हुई है। अभी भी उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि ये 3 से 4 आतंकवादी हैं जो फॉरनर हैं जिन्होंने जो इस हमले को जो अंजाम दिया है, यानी फायरिंग वहां पर जो रात को हुई है उसके बाद वो भागने में जो कामयाब हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि काफी घना वो जंगल है, काफी बड़ा वो जंगल है, दक्षिण पार्डर का जो पूरा इलाका है। तो अभी भी उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, तकरीबन एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, लगभग टाउन से 25 किलोमीटर दूर ये इलाका पड़ता है, तहसील नागसेनी का ये एरिया है। ये जो हादसा पेश आया है ये नौ नटनू जो ब्रिज बताया जा रहा है, नौ नटनू का जो एरिया है वहां पर ये जो रात को फायरिंग हुई है और अभी भी उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं कि नौ नटनू जो ब्रिज है वहां पर जो रात को फायरिंग हुई है, बताया जा रहा है कि नाका जो पुल के पास है वहाँ पर जो आर्मी और पुलिस का जो वहाँ पर अम्बुश लगाया गया था, नाका वहाँ पर लगाया गया था, तो ऊपर वाली साइड से जो आतंकवादियों की ओर से वहाँ पर जो फायरिंग की गई है। तो जवाबी कार्रवाई में यहाँ से भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की है, उसके बाद आतंकवादी जो भागने में जो कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी उस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉर्डन वहाँ पर जो चलाया गया है, लेकिन जंगल काफ़ी घना है, काफी बड़ा जंगल है, भागने के लिए जो अलग अलग रास्ते हैं या जंगल हैं जिनकी वजह से जो अभी भी जो उनको ट्रेस नहीं किया गया है, अभी भी उस इलाके के अंदर जो ऑपरेशन जारी है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद।